झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की तत्वाधान में सच्चाई आपके द्वार कार्यक्रम का लॉन्च एवं प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, प्रदेश महिला मोर्चा प्रभारी इंद्राणी मिश्रा, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष गुंजन सिंह सहित तमाम महिला कांग्रेस मौजूद रहे। मौके पर कांग्रेस महिला अध्यक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार देश को बेचने का काम कर रही है। जितनी भी सरकारी कंपनियां थी उसे बेचने का काम कर रही है। LIC, रेलवे, एयरपोर्ट, इस प्रकार से पूरा देश को बेचने का काम कर रही है केंद्र सरकार। उसी को लेकर सच्चाई आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार की विफलताओं को घर घर तक महिला मोर्चा कांग्रेस पहुंचाने का काम करेगी। तो सच्चाई आपके द्वार में जो केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी जो हर मोर्चे पे विफल हुए हैं, या तो किसान की बात करें, जो महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं हुई हैं, हमारे युवाओं को जो बेरोजगारी दी गई है, महिलाओं के साथ जो हिंसा बढ़ी है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर और महंगाई जो चरम सीमा पे पहुंची हुई है, ये सारी चीज़ों को हम उजागर करने का काम करेंगे। आप देख रहे होंगे कि ये आंकड़ा हमारे पास है, किस तरह से केंद्र सरकार ने हमें त्रस्त किया है, का वादा करके उन्होंने हमें किस तरह से बरगलाने का काम किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और एक हमारा जो पुस्तक है उसका अभी विमोचन होगा, उसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है। तो हम ये चीज़ हकीकत जो है वो पहुंचाने का काम करेंगे, और हमारी जो झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की बहनें हैं, प्रदेश लेवल पे, जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, बूथ स्तर पे, ये हम एक कार्यक्रम चलाएंगे। पूरे एक महीने का ये कार्यक्रम चलेगा, और घर घर जाकर इस सच्चाई से अवगत कराएंगी कि मोदी जी ने क्या वादा किया था, केंद्र सरकार के द्वारा हमें जो सपने दिखाए गए थे वो किस तरह से फेल हुए हैं, किस तरह से हमें ठगा गया है, किस तरह से हमें प्रलोभन देके और सत्ता सुख का लोग राज भोग रहे हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।